सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पाटन थाना क्षेत्र के सूठा पंचायत की रहने वाली एक विवाहित महिला 22 वर्षीय के साथ 4 घंटों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसकी जानकारी पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह को मिली तो वह तुरंत महिला के परिजनों से मिलने पहुंचे, पर उनके घर पर ताला लगा हुआ था। ग्रामीणों से पूछताछ पर पता चला कि वह महिला अपने पति के साथ रात्रि के समय आपसी विवाद कर रही थी। इसी में महिला ने अपने मायके मनिका थाना के रेतवा गांव के लिए चल पड़ी। शाम होने के कारण ससुराल के लोग मना किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई और पैदल ही निकल पड़ी। साथ ही उनके पीछे उनका पति भी निकल पड़ा। इसी बीच सतबरवा थाना के बकोरिया भलवही गांव के पहाड़ी के समीप इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह ने कहा कि हमारी मांग है पुलिस अधीक्षक से इस घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। मौके पर किशनपुर ओपी प्रभारी विनोद सूठा, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इकबाल अंसारी, लक्ष्मण राम, शैलेश मेहता सहित कई लोग मौजूद थे। पाटन से ऋषि सिन्हा की रिपोर्ट। हाँ बताइए, आज जो है सो कल न्यूज में देखे थे, संज्ञान में था कि यहाँ पे पाटन थाना के खैर द्वार गाँव है और यहाँ पे जो सो चंदन भुइया शायद पत्नी जो उनका मैके पड़ता है सदरवा के आसपास में पड़ता है, तो जानकारी चला कि वो रास्ते में जा रही थी यहाँ से अपने घर से रुष्ट होकर के। उनके कुछ परिजन लोग भी थे जो मैके पर छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में कहीं जंगल में कुछ लोगों को पकड़ करके उनके साथ बलात्कार की गलत किया, जो बहुत जो सो विभत्स घटना हुआ है उनके साथ में। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे पूरे पार्टनर ये पलामू जिला के जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और जितने भी प्रशासन हैं उस जब जो सबके संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कर रहा है और जानकारी चला कि कोई गिरफ्तार भी किया गया है कुछ लोगों को। और हम यही मांग करेंगे कि यह बहुत घटना बहुत दर्दनाक और निंदनीय है और विभत्स घटना है, वैसे लोग को वैसे दरिंदे लोग को फांसी की सजा होना चाहिए और उससे ज़्यादा और कुछ सजा नहीं होना चाहिए। हम यही मांग करेंगे ये प्रमुख प्रशासन से कि वैसे लोग को आप जो फांसी की सजा तक आप लेके जाएँ, वैसा कार्य करें ताकि दोबारा वैसा कार्य करने के लिए कोई जो सो दोबारा नहीं आ सके।